लॉकडाउन के चलते देश के अन्य प्रांतों में फंसे हुए मध्य प्रदेश के मजदूरों पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर वापसी पर ट्रेन का किराया देने की बात कही। ऐसे में बीजेपी जागी है और प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश लाने के लिए किसी भी मजदूर से ट्रेन या फिर बस का भाड़ा ना लिया जाए। स्वराज एक्सप्रेस से बातचीत में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नासिक से आने वाले मजदूरों से किराया क्यों लिया गया, जब कांग्रेस किराया दे रही है तब बीजेपी को याद क्यों आई। पीसी शर्मा जी जानने की कोशिश करते हैं, सर कैसे देखते हैं कोरोना का महामारी चल रही है, पूरा जो संबल योजना है जो आप लोगों ने बंद की थी वो दोबारा चालू की जा रही है? संबल योजना में बहुत बड़ा घपला और घोटाला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 2018 के पहले, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सक्षम कार्यकर्ताओं के कार्ड उसके द्वारा दिए थे और जिसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के जो सरमादार कार्यकर्ता थे उनको मिल रहा था, तो इसलिए उसको कांग्रेस ने रोका था। और ये शुरू कर रहे हैं तो ये फिर भ्रष्टाचार करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। अगर उसको शुरू करना है तो उसके फिर से पूरी जांच करके जो सक्षम लोग हैं, जो जिनकी आमदनी ज्यादा है, ऐसे लोगों को उससे हटा के ये केवल गरीबों के लिए रखी जाए, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बीपीएल के नीचे हैं, उन लोगों को रखा जाना चाहिए। अगर वो गरीबों के हित की योजना है तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ भाजपा के लोग ही बराबर सदस्य बनाए जा रहे हैं इसलिए वो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ में इंदौर में बढ़ती हुई महामारी के चलते उनका कहना यह था जितने भी स्टार्टिंग में सब कुछ किया गया वो कांग्रेस सरकार ने किया, ये भाजपा सिर्फ सरकार गिराने में लगी रही, इसीलिए इंदौर में इतनी बड़ी महामारी फैली। कैमरा पर्सन आनंद के साथ अरविंद चौहान।